सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर जिला के करजा थाना क्षेत्र में बीते दिनों लूट की नियत से सीएसपी संचालक मुकेश कुमार पर गोली चलाने के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा दबोचे गए दो बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी किया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दर्जनों कांडों में वांछित सहित बैरिया के चर्चित कुंदन सिंह हत्याकांड में शामिल रहे एक आरोपी को धर दबोचा है। पूरे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता में देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि बीते मंगलवार को करजा थाना क्षेत्र में एक सीएसपी संचालक पर अपराधियों ने लूट की नियत से गोली चलाई थी। हालांकि गोली फंसने के कारण वह बाल बाल बचे थे, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने दो बदमाशों को दबोच लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल को भी बरामद किया था। दोनों अभियुक्तों की पहचान जिला के अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया जगदम्बा नगर निवासी रुपेश कुमार एवं सुभाष नगर के उज्जवल कुमार के रूप में किया गया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर करजा थाना क्षेत्र के ही पकड़ी पकोही से कमल कुमार एवं सरैया थाना क्षेत्र से सौरभ ठाकुर को दबोच लिया। पुलिस ने गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के पास से एक देशी पिस्टल, 7.65 की दो राउंड जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा, एक मैगजीन, चाकू, एक बाइक और मोबाइल फोन को जब्त किया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक की संलिप्तता कुंदन सिंह हत्याकांड में ही रही है, जो हाल ही में जमानत पर निकला। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एक सीएसपी संचालक की हत्या एवं लूटपाट करने के इरादे से वहां पर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान वहाँ पर उन अपराधियों को घेर लिया गया। घेरने के पश्चात में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इसके पश्चात पुलिस की टीम के द्वारा अन्य तीन अपराधियों की अरेस्टिंग की गई, जिनके पास से एक पिस्टल, एक कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने उस क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन लूट के कांडों में अपनी संलिप्तताएं स्वीकार की हैं। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और इससे अपराध की रोकथाम में मदद मिलेगी। जो गिरफ्तार हुआ है वो पूर्व में कुंदन सिंह के जिसकी बैरिया बस स्टैंड के पास में मर्डर किया गया था, उसमें उसकी संलिप्तता है। ये अभी हाल में बेल में छूटा और फिर से अपराध करने लगा था। इस प्रकार पुलिस को उसको अरेस्ट करके अपराध के रोकथाम में स्पीड डाल चलाए जाएंगे सर इन लोगों के, जिसमें से जो भी लोग हैं, जो भी गिरफ्तार अपराधी हैं, इनके लिए अलग से पुलिस अपनी प्रोसिक्यूशन टीम बना करके स्पीडी ट्रायल भी चलाएगी और हम लोग जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाएंगे।